दुर्ग के हनोदा स्थित मानसरोवर कॉलोनी के सूने मकान का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर अलमारी को तोड़कर अंदर रखे सोने के आभूषण की चोरी कर अपने साथ सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क भी उड़ा ले गए। वही घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग के चंदखुरी रोड स्थित ग्राम हनोदा में मानसरोवर कॉलोनी में पांडे परिवार अपने निजी काम से बनारस गए हुए थे, जिसके बीच अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। बता दें, पांडे परिवार बनारस से 7 अप्रैल की सुबह जब वापस आए तब घर के दरवाजे की कुंडी को टूटा देखे तो होश उड़ गए। इसके बाद अंदर जाकर उन्होंने देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और इसके बाद प्रार्थी पायल पांडे ने पद्मनापुर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पाया कि अज्ञात चोरों द्वारा सिर्फ घर में रखे सोने के आभूषण पर हाथ साफ किया गया है और जाते जाते घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी निकाल कर ले गए। इस मामले में पद्मनापुर पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है, आरोपी के पीछे निकल पड़ी है। इस मामले में दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया दी। थाना पद्मनाभपुर का ये मामला है, ये चोरी का मामला था। इसमें जो परिवार था वो नया, अभी जो एक्सटेंशन अभी जो हो रहा है शहर का, तो आउटर एरिया में वो लोग रहते थे धनोरा में। वो उस घर के आसपास और बहुत ज़्यादा घर नहीं है अभी। उसमें जो ये तो हाउस होल्ड थे वो 29 तारीख से लोग बाहर थे, बनारस गए हुए थे और इस बीच में उनके यहाँ पे चोरी हुई है। और चोर ने मेनली गोल्ड के जो ज्वेलरी है उसी को ही वहाँ से उठाया है। और जो DVR इनके यहाँ CCTV लगा था, तो इस केस में ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि वो चोर जो है वो DVR भी लेके चला गया है। हम लोग अन्य और भी जो है रास्ते के फुटेज वगैरह पुलिस के द्वारा तलाशी जा रही है, तो जल्दी पुलिस को सफलता मिलेगी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।